हेलो दोस्तों, विनीता जैनी किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में दिए गए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हमने बनाया है नवरात्र स्पेशल एप्पल खीर। तो चलिए बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने किन किन चीज़ों की ज़रूरत है ये देखिए। ये हमने दो एप्पल लिए हैं। अगर आपका एप्पल बड़ा है तो आप एक भी ले सकते हैं, ये देखिए। और एप्पल हमारे एकदम फ्रेश हैं। और ये हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें हमारे पिस्ता, काजू, बादाम, इलायची पाउडर है 1/2 टीस्पून, हमारे किशमिश है। और ये देखिए, हमने एक छोटा कप हमने शुगर ली है, क्योंकि हमारे एप्पल मीठे होते हैं इसलिए हमने शुगर कम लिया है। अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। ये जो हमने एप्पल लिए थे, इनको हमने छील के तैयार कर लिया है और हम इन्हें कद्दूकस से कस के तैयार करेंगे। ये देखिए, हमारे एप्पल कसकर तैयार हो गए हैं। इन्हें इस तरीके से कस करना है। और ये हमने 500 ग्राम फुल क्रीम दूध लिया है, मलाई वाला। अब हम इसे बनाएंगे। तो ये देखिए, हमने कढ़ाई लिए, कढ़ाई में हमने ये जो एप्पल कसकर तैयार किए हैं इनको ऐड करेंगे, क्योंकि एप्पल को पहले हमें पकाना पड़ेगा। जब एप्पल को पकाने के बाद ही हम इसे दूध में मिक्स करेंगे, क्योंकि अगर हम इसे ऐसे ही कच्चा डाल देंगे तो हमारा दूध फट जाएगा, क्योंकि एप्पल खट्टा होता है और इसमें एसिड भी होता है। तो पहले पकाएंगे, उसके बाद ही हम इसे दूध में ऐड करेंगे। तो ये देखिए, हमने इसको कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए पका के तैयार रखना है। ये हमने दूसरी कढ़ाई में जब तक अपना दूध हमने ऐड किया है, और दूध को हमने तब तक बॉईल करना है जब तक हमारा दूध आधा ना हो जाए। तो हमारी एक गैस पे एप्पल पक रहा है और दूसरी गैस पे हमारा दूध बॉईल हो रहा है, तो दोनों काम हमारे एक साथ हो रहे हैं। ये देखिए, हमारा एप्पल कम से कम 1/2 टाइम तक पक के तैयार हो गया है। और अब हमने इसमें शुगर ऐड की है, और शुगर पानी छोड़ती है, इसका पानी सूखने तक हमें इसे पकाना है। बिल्कुल हलवा टाइप हो जाना चाहिए, तब तक पकाना है। तो ये देखिए, हमारा एप्पल पक के तैयार हो गया है बहुत अच्छे तरीके से। और बिल्कुल इस तरीके से ही हमने अपने एप्पल को पकाना है। और ये देखिए, दूध भी हमारा पककर आधा हो गया है। अगर आपको ज़्यादा पकाना है तो आप ज़्यादा दूध ले सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा दूध भी बहुत अच्छे तरीके से पक के तैयार हो गया है। अब जो हमारा एप्पल पका हुआ है, अब हम उसे दूध में ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों, कभी भी एप्पल को दूध में खीर बनाने के लिए ऐसे ही ना डालें, उसे पकाने के बाद ही डालें। इसकी बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी खीर बनके तैयार होती है। आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। और ये खीर सभी को बहुत पसंद आती है, छोटे हो, बड़े हो, और बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो बच्चों को भी बना के दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे इस तरीके से नहीं खाते हैं तो आप खीर बना के उसे बाद में ठंडा होने के बाद, ग्राइंड करने के बाद इसे दीजिए। बच्चे एक बिल्कुल शेक की तरह इसे बहुत मज़े से पियेंगे। तो ये खीर बहुत ज़्यादा हेल्दी है, सभी के लिए बहुत अच्छी है। तो ये देखिए, खीर हमारी पक के तैयार हो गई है। एप्पल मिक्स करने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट और पकाएंगे, और साथ में सभी ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो दोस्तों, हमारी खीर एकदम परफेक्ट तरीके से बनके तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छा कलर आया है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो दोस्तों, आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। आपको याद रखना है कि आपके एप्पल छोटे हैं तो आप 2 ले सकते हैं, अगर बड़े हैं तो आपको एक एप्पल ही काफ़ी रहेगा खीर बनाने के लिए। अगर आपको ज़्यादा बनानी है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा हेल्दी है, आप इसे व्रत में या नॉर्मल डेज में भी आप इसे बना के खा सकते हैं, अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा, मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।